नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट कम दोस्त सौरभ बच्चन और आप मुझे देख रहे हैं ओनली ऑन VKB डिजिटल। और चलते चलते हम आ गए हैं विदर्भ साइंस एक्सपो में, जहां साइंस और टेक्नोलॉजी के दीवानों के लिए बहुत कुछ छुपा है इस मेले में। तो चलिए चलते हैं। रमन साइंस सेंटर में 2012 से ये साइंस एक्सपो का आयोजन किया जाता है और उसमें हम हर साल पार्टिसिपेट करते हैं और हर साल हम लोग यहाँ सिकल सेल डिटेक्शन का कैंप अरेंज करते हैं। हमारे यहाँ म्यूजियम स्पेसिमन रखे हुए हैं और ये दो जो कार्य है हम लोग हर साल यहाँ पर कर रहे हैं और हमको बहुत अच्छा प्रतिसाद भी मिलता है यहाँ पर, क्योंकि डिफरेंट स्टाटा के लोग डिफरेंट रीजन से आते हैं, डिफरेंट समाज के बिलोंग करते हैं। तो जो भी यहाँ वॉलंटरी आता है अपना सिकल सेल एनीमिया का स्टेटस चेक करने के लिए, हम लोग उनका लेते हैं, उनका कंसेंट लेते हैं, क्योंकि वो एक एथिकल इशू बनता है। और हमारे पास DMLT है, DMLT के स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास ट्रेन साइंटिस्ट लोग यहाँ पर है और हम लोग सिकल सेल का जो कैंप है अच्छे से हम लोग यहाँ करते हैं और हम लोग को अच्छा प्रतिसाद भी मिलता है। इनको ये सोसाइटी जिम्मेदार है, सोसाइटी का जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स पेशेंट के प्रति और पेशेंट का अप्रोच टूवर्ड्स सोसाइटी, ये डिपेंड करता है सोसाइटी टू सोसाइटी और पर्सन टू पर्सन। तो जबकि ये असिम्प्टोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, तो इनका बचपन में ही अगर पता चले तो इसके ऊपर इलाज तो संभव नहीं है, लेकिन हम लोग प्रिवेंट किया जा सकता है। CSIR सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ माइनिंग एंड प्योर रिसर्च नागपूर। आमच्या संस्थेमध्ये मायनिंगच्या संबंधित, मायनिंग टेक्नॉलॉजी संबंधित जेवढे पण कार्य आहेत, जसं ब्लास्टिंग, एक्सकॅव्हेशन इंजिनिअरिंग, स्लोप स्टेबिलिटी, म्हणजे मायनिंग माइन्समध्ये जे जे प्रॉब्लेम्स येतात, मग ते माइन्स अंडरग्राउंड असो किंवा ओपन कास्ट असो, सर्वांची सायंटिफिक स्टडी आमच्या संस्थेमध्ये केली जाते। मायनिंग टेक्नॉलॉजीसोबत आमच्याकडे फ्युअल टेक्नॉलॉजीचं पण कार्य केलं जाते। त्याच्यामध्ये भारतामधले जेवढे पण कोल प्रोडक्शन संस्था आहे, जसे कोल इंडिया लिमिटेड, SCCL, नॅशनल थर्मल पॉवर स्टेशन, सगळ्याचे कोल टेस्टिंग करण्याचं काम आमची संस्था करते। जे कोल म्हणजे जे कोल टेस्टिंगमध्ये जे पण प्रॉब्लेम उद्भवतात त्यासंबंधी रिपोर्ट जनरेट केला जाते। Along with like 9th, 10th and 11th and 12th girls and boys from Omsa International Public School, and we were really excited to visit Raman Science Center. As we have came here, so we seen that there is a science expo, and the students are really excited because they really got to know different things, like many of the different research centers. They are here and they have come up with what they deal with. So we get to learn that in what these different research centers they deals with. Like we have here Moil Limited Nagpur, where we get to know how they excavate the different minerals from the soil
even we got to know that there is National Research Center for Citrus, all right? So from here we got to know that different varieties of citrus food, like we have lemons, all right? And even we came to know about the dinosaurs fossil, leaf fossil, fish fossil. Even we have came to know about how this uranium reacts to produce electrical energy. And there are different things. When you will come here, you will get to learn. We are from Om Sai Central Public School, and we have came here along with our different friends from 9 to 12th standard, and we have seen so many things here. It is very exciting, especially the rocks collection. There are three types of rocks: metamorphic, igneous, and the third one. And it is very interesting that we have seen it first time, and the different types of fossils of leaf and the rhinoceros teeth, and so many interesting things are there. Citric fruits, which we have seen for the first time, the different sizes and shapes, the rough one, the smooth one, so many are there. यहाँ आपको सबसे आकर्षक चीज क्या लगी? I have seen that rose quartz. This one was so very exciting thing to see first time, and it was so attractive thing for me. जन्म कुंडली नाई रक्त कुंडली बगा, जन्म कुंडली नाई रक्त कुंडली बगा। तो साइंस के दीवानों के लिए ये सब था रमन साइंस सेंटर में। मैं सौरभ सिंह, तब तक आप देखते रहें वीकेबी डिजिटल नागपुर।